हेलो दोस्तों, तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मठरी कैसे बनाई जाती है, गुजिया कैसे बनाई जाती है। एक्चुअली आज हम गुजिया भी बनाने वाले हैं साथ के साथ ही, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा गुजिया कैसे बनाते हैं। एक्चुअली गुजिया बनाने के लिए हमने सारा सामान सामग्री रेडी कर लिया है, आटा वाटा गूंथ लिया है, बस उसकी कटिंग कैसे करना है, फ्राई कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। गुजिया की कम्प्लीट प्रोसेस प्लस आटा के लिए बताऊंगा। आटा लगाने के लिए हमने क्या किया था, नॉर्मल हमने मैदा ले लिया था, उसको हमने गर्म ऑयल से, गर्म गर्म ऑयल नहीं, गर्म पानी से उसको गूंथा है, उसमें ऑयल मिक्स किया है और उसमें हमने अजवाइन मिक्स किया है और नमक मिक्स किया है। नमक स्वादानुसार, अजवाइन भी जितना आप डालना चाहें क्वांटिटी के हिसाब से आटे की आपको। और चलिए बताएंगे इसको बेलना कितना, कितनी थिक लेयर होनी चाहिए, उसको फ्राई कैसे करना है। मेन उसमें है कि फ्राई करना और बेलना कैसे, आप दो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली सारी सामग्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअली दिवाली के उपलक्ष्य में, दिवाली आने वाली है, तो हमारा ब्लॉग आपको यदि अच्छा लगे तो इसको आप लाइक शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। और ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हम लेके आप लोगों के लिए आते रहते हैं। यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हमें, हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अंत तक देखें, यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक। दोस्तों देखिए अब चालू हो गया है मठरी का काम, मठरी का बेलाई जो बेस होता है उसको बेला जा रहा है साधना जी के द्वारा। ये देखिए इसी में से फिर कटिंग कर दी जाएगी तो मठरियाँ निकल आएंगी। और जस्सू भी बहुत अच्छे तरीके से देख रही है, सीख रही है कि कैसे मठरी बनाई जाए, कैसे बेला जाए। खाना खा रही है अभी, खाना खाते खाते कह रही है मुझे और खाना है, और फोन देखना है, यूट्यूब देखना है, बाबा देखना है। ये देखिए इतना मोटा बेस हो गया है अभी। अभी इसमें आपको देखो कि ये जो दिख रही हैं, क्लियर कट दिख रही हैं, ये अजवाइन है और इसको मैदे का है, बहुत देर से रखा हुआ इसलिए बहुत ही अच्छा बेस आ रहा है इसका बन के। और इसको फिर काट देंगे तो देखना बहुत मस्त हो जाएगा। ये साधना जी को बहुत अच्छे तरीके से आता है बनाना। यदि आपको कहीं अपने घर में बनवाना हो कभी तो आप बता सकते हो, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी बना देती हैं। ये देखो जस्सू कैसे नाटक कर रहा है, और कटाई शुरू हो गई। अब इसको इस तरीके से यहाँ से काट लेंगे, जितनी आपको छोटी बड़ी करनी है अपने अकॉर्डिंग आप छोटी बड़ी कर सकते हैं। और कोई शेप यदि आपको देना हो तो अपने शेप के हिसाब से जो आपको रखना है वो काट सकते हैं। अभी ये स्क्वायर वाली कट रही है, आप जिस शेप में चाहो उस शेप में काट सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्राई करने के बाद इसको आप खाओ, चाय में खाओ, जब दिन में खाओ, रात में खाओ, बढ़िया भुरभुरी हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा आनंद देती है। रुक जाओ यार बाबा, चालू एक एक करके फैला दिया इनको। भाई ये देखो ये बन गई सारी मठरियां हमारी, और इनको अब फ्राई करेंगे और दिखाते हैं आपको फ्राई करके कि फ्राई करने के बाद में कैसी दिखती हैं मठरियां। बहुत ही मस्त, अभी तो बहुत मस्त दिख रही हैं, अब देखते हैं फ्राई करने के बाद में कैसी दिखती हैं। तो चलिए फ्राई करते हैं। अब ये बन के हमारी हो गई रेडी, ये फ्राई हो गई सारे सब कुछ। एक्चुअली फ्राई करने में था नहीं, बाहर चला गया था, ये फ्राई हो चुकी हैं इस तरीके की कुछ हैं, और बहुत ही अल्टीमेट मस्त हैं। देखिए अब भी ऐसे बना सकते हैं, खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं घर में ही अपने।